नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर कल दुनिया को विदा कह गई। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। 92 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरा देश शोक में है। मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी को उनके भाई ने नम आँखों से मुखाग्नि दी। इस दौरान राजनीति, खेल, मनोरंजन जगत सहित कई क्षेत्र के लोग लता जी के इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी नजर आईं। शाहरुख खान इस दौरान दुआ में हाथ ऊपर उठाते नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी मैनेजर पूजा ददलानी हाथ जोड़कर उनके पास खड़ी हैं। शाहरुख खान ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, उनके पैर छुए और मरहूम के लिए दुआ की। शाहरुख खान का श्रद्धांजलि देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा ददलानी दोनों एक साथ लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने मंच पर चढ़े थे। शाहरुख खान ने पहले वहां खड़े होकर दुआ पढ़ी और फिर इसके बाद उन्होंने अपना मास्क नीचे खिसकाकर झुककर पार्थिव शरीर पर फूंक मारी। इसके बाद शाहरुख खान हाथ जोड़कर पार्थिव शरीर की परिक्रमा कर मैनेजर पूजा ददलानी के साथ मंच से नीचे उतर आए। कई लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला और इस पर घटिया कमेंट्स किए हैं। सुपरस्टार के इस हावभाव से कई फैंस प्रभावित हुए हैं और इस क्षण को धर्मनिरपेक्ष भारत की तस्वीर बताई है। शाहरुख खान के अलावा तमाम बॉलीवुड स्टार्स लता मंगेशकर को आखिरी सलाम देने शिवाजी पार्क पहुंचे थे। आमिर खान ने भी हाथ जोड़कर लता मंगेशकर को नम आँखों से विदा किया। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने शिवाजी पार्क पहुंचे थे। इनके साथ ही पीएम मोदी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, श्रद्धा कपूर, मधुर भंडारकर, शंकर एहसान लॉय सहित तमाम लोग लता दीदी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें विदाई दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।